अरे वाह 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 वाह, ये खाएंगे ना हम डोनट्स, मज़ेदार। ओके चले जी, इन तितलों और तितलियों के पास जाते हैं और थोड़ा सा व्लॉग में ले लेते हैं। हाय, हेलो, कैसे हैं सब? माउथ बीच जहां हम आज आपको लेकर आए हैं। नो नो मिकाइल, बहुत ठंडा है, ठंडा ठंडा ठंडा। Here you go guys, ये है हमारा कैंप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? तो आज हम जा रहे हैं बीच पे, बॉर्नमाउथ बीच जाना है। हमने सोचा था कि हम निकलेंगे जल्दी, मगर जल्दी के बजाय अब हमारे 11:15 हो गए हैं। हमें 9 बजे घर से निकलना था, हम ऑलरेडी लेट हैं, 2 घंटे बल्कि 3 घंटे लेट हो जाएंगे। अभी तैयारियाँ चल रही हैं। चने बनाने का सोचा था मैंने कि चने बना के ले जाऊँगा, ज़रा स्पाइसी से मज़ेदार, और उसका टाइम मुझे नहीं लगता कि है, मगर मैं देखता हूँ अगर इनकी तैयारी में लेट हो रहा है तो मैं फिर जाता हूँ और चने बनाता हूँ, ताकि वहाँ बैठेंगे जब बीच पे अपने टेंट के अंदर तो थोड़ा इन्जॉय करेंगे। बार बार उठ के जाना नहीं पड़ेगा भूख की वजह से, स्नैक काफ़ी नहीं होते। तो फिर आपको लेके चलते हैं आज। आखिर तक रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं आपको, और बहुत अच्छा सा बीच है, आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़। और रास्ते पे है हमारे बहुत अच्छी सी ड्राइव, उस ड्राइव को भी हम आपको दिखाएंगे, उस ड्राइव को भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम जा रहे हैं आज फाइनली बीच पे। आपको पता तो चल गया होगा हारिस की ड्रेसिंग से। जी, 2 दिन पहले प्रॉमिस किया था गर्मी में, गर्मी खत्म हुई तो नेक्स्ट डे बारिश थी, बारिश की वजह से ना जा सके, तो सबा ने मेरे सर में दर्द कर दिया था कि कहीं भी नहीं लेके जा रहे। तो फाइनली आज हम लेकर जा रहे हैं, और लेकर कितने बजे जा रहे हैं? मैंने सुबह कहा कि 9 बजे निकलना है और हम घर से निकले हैं 1 बजे, क्योंकि शायद हमारा इरादा है हम उधर स्टे कर ले, कुछ पता भी नहीं है। ये तो 1 बजे देख के हमारा ये इरादा बना है। हाँ। क्योंकि लेट हमने ऑलरेडी कर दिया, हो सकता है थक जाए और वापस भी आ जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। रास्ते में हम रुकेंगे, कुछ खाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सब कुछ आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहें आखिर तक, बहुत मजा आने वाला है आज। जी, ये देखिए हम हैं इधर, कौन सी है ये मोटरवे, M4 पे है अभी, उसके बाद M25। ठीक है जी, रहिएगा हमारे साथ साथ। हारिस ड्राइव कर के थक गए हैं और हम रुके हैं। नहीं, हारिस ड्राइव करके नहीं थके, सबा बैठ के थक गई है, और सबा ने कहा सर्विसेज पे रोके। देखें सर्विसेज पे रश कितना है, लोग कितने निकले हुए हैं घर से बाहर और रास्ते पे रुके हैं। ये कॉस्टा कॉफी है, यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ मार्क्स एंड स्पेंसर है, यहाँ भी बहुत अच्छा फूड मिल जाता है। बर्गर किंग है हमारे पास। सर्विसेज पे रुक के ये बड़ा नुकसान होता है हमें, मिकाइल जिद करता है, और इसमें रेडी है ये आइसक्रीम, ये खाएंगे ना हम डोनट्स, मजेदार। क्या है, क्या दिया मान ने? ओके भाई, सब अपने अपने हाथ दिखा दें। मैंने ये लिया है, मिकाइल ने आइसक्रीम खाई है, और ये लिया है, ये गिफ्ट मिल गया इसको इसकी खाला की तरफ से। सबा तुमने क्या लिया? मैंने ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है, और ये लिया है, और ये सबा की फ्रेंड ने क्या लिया है, इन्होंने भी ये चीजें ली। सही है भाई, सबसे कम मैंने ही लिया है, सबसे शरीफ हुमा जी, और ये भी हमारे साथ आई है, और अमान भी साथ आया है जी, और हुमा जी सलाम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। इतना सामान है इधर ट्रॉली में हमारे पास, और मेरे बेटे ने भी अपने बैग में इतना सामान रखा। हर्टिंग यू? ओके, हम उतार देते हैं, ये बैग भी उतारते हैं। हाँ, एक मिनट। वाह मिकाइल, पीछे आ जाओ, लात भी मार सकता है। वेरी नाइस, आओ आगे वाले के पास चलें। लेट्स गो, दूर रहना मगर आप। वाह, कितने ब्यूटीफुल हॉर्सेस हैं, क्या बाल इसके बनाए हुए, ओए होए होए, लंबे घने बाल, और उनको भी कर्ल किया हुआ है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। सबा, ये लंबे और घने बाल भी हैं और कर्ल भी किए हुए हैं, ये तो जैसे तुम नहीं करती कभी कभी। ये तुम्हारी कर्ल मशीन जो घूमी है इधर ही तो नहीं इस्तेमाल है।
चलो भाई नहाने का तो कोई पता नहीं है, 4:15 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, मगर एटलीस्ट यहाँ पे बाकी शुगर मेले बहुत लगे हुए हैं कि जो ब्लॉग को इंटरेस्टिंग कर देंगे। ये देखो ये बटरफ्लाई, यहाँ पिक्चर्स बनाई जा रही हैं इनके साथ। चले जी इन तितलों और तितलियों के पास जाते हैं और थोड़ा सा व्लॉग में ले लेते हैं। हेलो हेलो यस, यहाँ पे नेटवर्क का भी बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना सबा मुझे कॉल कर पा रही है ना मैं कर पा रहा हूँ। हम दोनों ने कॉल तो की मगर आवाज़ नहीं आ रही, मगर फाइनली वॉइस मैसेज सबा ने भी छोड़ा था मुझे, मैंने भी छोड़ा है, तो सबा का वॉइस मैसेज तो मैंने सुन लिया है कि हम वॉक करके बीच की तरफ आ गए हैं। तो मैं और मिकाइल भी अब वॉक करके जा रहे हैं बीच की तरफ और ये नज़ारे देखते हुए आप हमारी आंख से भी देखें, हमारी आंख भी वही देख रही है जो इस कैमरे की आंख देख रही है। तो चलते चलें, ये देखें ये राइड जो है रॉयल एयरफोर्स एसोसिएशन, इसमें ऐसा ही लगता है कि आप स्पेस पे हैं। मज़ेदार राइड होती है, बिल्कुल ऐसा ही फील कराते हैं। मिल गए हमें ये लोग, गुम हो गए थे हमेशा की तरह। कहाँ चली गई थी सबा? नहीं, बंदा जहाँ खड़ा होता है वहीं पे सबको लेकर आते हैं। इतना अच्छा शॉट मिस कर दिया, अगर मैं वो बटरफ्लाई के साथ सबा होती तो अच्छा शॉट ले सकती थी, मैं भी नज़र आ जाता बीच में, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। देख ले ज़रा नज़ारा, पीछे हो जा सोने साड़ी रेल गड्डी आई। ये लें जी रेलगाड़ी भी है मौजूद, जिसने अगर बॉर्न माउथ का चक्कर लगाना है टिकट ले और चक्कर लगा ले। अब हमने ज़मीन पसंद कर ली है कि हमने खेमा अपना लगाना कहाँ है, तो ये ज़मीन हमने फाइनल की है, इधर हम अपना खेमा लगाएंगे। बेगम, तो ये ज़मीन पसंद की है हमने खेमा लगाने के लिए, क्या आपको पसंद है? अच्छा, मैं भी चेंज करूंगा, मगर आप मुझे चेंज करने से पहले पहले मेरा दीदार करवा दीजिए। होल्ड करें मोबाइल को, जाके पहले मैंने ना मिकाइल आ जाओ, मिकाइल को भी हो रहा है। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बॉर्न माउथ बीच जहां हम आज आपको लेकर आए हैं, ये इसके नज़ारे, ये है जमीन जहाँ हम जी। ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा। और शुक्र है इतनी ज्यादा ठंड नहीं है इस वक्त, तो हम थोड़ा बहुत नहा, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो खेमा लगाऊंगा, खेमे के अंदर जाके बंद करके चेंज करूंगा। खेमा क्या होता है? खेमा होता है कैंप, कैंप होता है खेमा। ठीक है, जो कि हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हम लगाया करते थे। जी आप तो तुर्किश हो ना? हाँ, तुर्किश हैं हम लोग। कैंप हो चुका है ओपन, अब इसको बनाने की बारी है। बनाना बहुत आसान काम नहीं, अगर तीन दो लड़के भी होते कम अज कम तो साथ बना देते, तो अब मुझे अकेले बनाना पड़ेगा। एक मैं लड़का हूँ और एक मेरी बेगम है, वो मेरी हेल्प करेगी। जी, yes, why not? Definitely. तो आपको ये कैंप बनने के बाद दिखाते हैं, नीचे से दिखा दो। Here you go guys, ये है हमारा कैंप जिसे मैं कहता हूँ खेमा। अभी तो हमने खाना भी नहीं निकाला, खाने के लिए आई है। और ये है बीच के नज़ारे, मैं भी अंदर जाता हूँ खेमे में, चेंज करता हूँ। वहाँ देखें बादल, बस ये बादल यहाँ पे ना आए और ऐसा सनी वेदर रहे तो अच्छा है, जैसे वहाँ पे क्लियर है। यहाँ से बादल आएंगे तो हमारा नुकसान है। हेलो सबा, कहाँ अंदर हो? हाँ। क्लिप बना दें आप मेरा एक प्लीज़, अंदर से पहले पहले जी। यस, हियर आई एम, मैंने चेंज कर दिया है, मैं नहाने के लिए तैयार हो गया हूँ। हमें भी साथ लेके जाना, अकेले नहीं चले जाना। अच्छा चलो मैं वेट करता हूँ। गोरी मेमो को देखने के लिए नहीं चले जाना? तो कैसे पता चल जाता है सबा को? जी मुझे सब पता है, सब पता है। मिकाइल क्या देखने जा रहे हैं? चलो आप मिकाइल के साथ जाओ, ठीक है मैं भी आ जाऊँ। ये देखे मिकाइल साहब, मिकाइल साहब ने बहादुरी दिखाई है, पहली डुबकी फटाफट लगा ली है। और मैं तो अभी तक डर रहा हूँ कि पहली डुबकी लगाता हूँ कैसे, क्योंकि पहला ही डुबकी
मुश्किल है, बाकी सब तो आसान ही होता है करना। ए नो नो मिकाइल बहुत ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा। क्या हुआ, मुंह में पानी चला गया? मुंह पे नहीं डालो बेटे, डिस्गस्टिंग। हाँ ना, नमकीन होता है ये, नमक वाला पानी। चलो जी बेगम को देखने जाते हैं, बेगम किधर है? ओ निकल गई, निकल गई जी। वो भी खैमे से बाहर आ गई हैं, मतलब के कैंप से। बस सबा बस बस बस, बाल नहीं संवारने का फायदा, क्योंकि अभी सब बाल बांध रही हूँ इसलिए कि खराब ना हो। अपनी तरफ से पूरा मैं ट्राई करूँगी कि ना हो खराब। ऑलराइट, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं भाई, मेरी नहीं हिम्मत पड़ रही। ठंडा ठंडा पानी, जब तक धूप नहीं निकलेगी, धूप निकलेगी तो मैं जाऊँगा। मिकाइल वो देखो कहाँ भाग रहा है, इसकी मामा की चीखें बार बार निकल रही हैं मिकाइल की वजह से। मिकाइल किधर जा रहे हो बेटा, बार बार नहीं जाओ, नो। ओके चलते हैं हम सभा के पास और पानी भी दिखाते हैं आप लोगों को पास से। ये है पानी, ये समंदर की लहरें, ठंडी ठंडी लहरें हैं। और यहाँ बैठी है हमारी बेगम जी। बेगम, सभा का दिल नहीं कर रहा भाई जाने को, और सभा तो वाकई पानी में दाखिल हुई है तो निकलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है मछली थी पिछले जन्म में। मछली तो नहीं थी, समंदर से प्यार है। समंदर के अंदर तो ना फिर भेज दूँ वापस, वापस ना भेज दूँ समंदर के अंदर। ओ धूप आई है, धूप आई है, ये देखो धूप आई थोड़ी सी। जब जब धूप आती है ना मैं एक डुबकी लगा लेता हूँ। हेलो, नमकीन हो गए हम, नमकीन पानी हो गए। दूर दूर गए हमने तो अभी ओमान की न्यूज़ सुनी है, उसके बाद से हमें तो डर लग रहा है, मगर हम इनके लिए भी दुआ गो हैं सबके लिए। ये मिकाइल साहब का प्ले टाइम प्ले कर रहा है। ओके अब बारी आती है कुछ खाने की, तो मैं भी जाता हूँ फिश एंड चिप्स लेने के लिए। ओके जी, फ्राइज आए भी और फ्राइज ये ख़त्म भी होने वाले हैं। ये इसका बॉक्स है, ये अंदर फ्राइज़ हैं, और ये ठंडा ठंडा मौसम है। इस ठंडे ठंडे मौसम में फ्राइज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। आया मज़ा? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ये देखो क्या ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम है, यहाँ पे अपना खाना लाओ या बारबेक्यू लाओ तो बना लो। ये देखें ये साहब यहाँ पे बना रहे हैं अपना खाना। नेक्स्ट टाइम हमें भी यही करना पड़ेगा, हम ले आएंगे वन एक फ्लेम, दो फ्लेम, तीन और चार। एक गलती हो गई है हमसे, हम गाड़ी पार्क तो कर दी हमने मगर टिकट नहीं लगाया। अगर हमने टिकट नहीं लगाया तो हमें पेनल्टी लग सकती है। ओ लकीली गाइस, मैं बच गया हूँ और अभी तक तो नहीं लगे। हो सकता है ये टिकट जो पुराना था सामने रह गया है, तो जाते आते या तो बंदे ने गौर नहीं किया कि यहाँ का टिकट नहीं है, या फिर कोई आया नहीं अब तक। खैर मैं फ़ौरन से अभी पे करता हूँ यहाँ पे। टिकट लगा दिया है अब मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बचत हो गई है, वरना सीधा सीधा 70 पाउंड का फटका था ये। कितना खूबसूरत है ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के आउटसाइड आउटडोर बना रखा है, गर्मियों में लोग बहुत पसंद करते हैं आउटडोर बैठना। ये देखें रिलैक्स करते हैं, और ये प्लस पॉइंट होता है जिस रेस्टोरेंट के बाहर इस तरह से सिटिंग की भी जगह मौजूद है। तो काफ़ी इंटरटेनिंग रहा आज और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और आप लोग मेरे साथ रहें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जो आपको मिलती रहें। अभी समर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके जी,
वापस आ गए हैं हम। ये देखें खेमे की हालत, ना जाने क्या किया इसके साथ। ऐसा लगता है मंगोलों ने हमला कर दिया यहाँ पे। क्या हुआ, ये क्या हुआ है, मंगोलों ने हमला कर दिया क्या, उजाड़ दिया सब कुछ। गाइस जंप, नहीं हो रहा, चलो बाबा हेल्प करते हैं। इधर आओ, बाबा के पास आओ, बाबा के पास आ। जी हारिस, बहुत अच्छा ट्रिप रहा, शाम हो गई है। शाम हो गई है जी, अब हमारे घर जाने का भी वक्त हो गया है, मगर उससे पहले हम यहाँ के आसपास की जो अट्रैक्शन है उसको देखते हैं, उनके पास जाते हैं। वाह 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 देवी और सज्जनों, ये देखें एक और काम, ये सारे फिशिंग करने आए हुए हैं लोग, और कितनी सारी हर बंदों की अट्रैक्शन है। वहाँ मैंने आपको पहले बारबेक्यू दिखाया कि बारबेक्यू भी कर रहे हैं लोग, अपना खाना बना रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए अट्रैक्शन है, बच्चे अपने झूले झूल सकते हैं, कुछ गेम्स भी हैं इंडोर, वो इंडोर गेम्स जो हैं उस तरफ हैं। और यहाँ पे फ़िशिंग, फ़िशिंग के जो लोग शौकीन हैं वो जानते होंगे इस चीज़ का मज़ा, क्या ज़बरदस्त माहौल मिला हुआ है, सुकून से फ़िशिंग हो रही है। देखें हमारे होते होते कोई मछली हाथ लग गई तो हम दिखा देंगे। ये देखें जी, मिकाइल के मज़े आ रहे हैं, मिकाइल राइड ले रहा है, हॉर्स पे बैठ के मिकाइल। तो वाह भाई, मुझे तो बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारे बाइकर बॉय जो है हमारा, ये वाह मिकाइल, अमेजिंग, वेरी नाइस, अच्छे से चला रहे हो। मैंने सोचा मिकाइल नहीं चला सकेगा, मगर मिकाइल तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है। वाओ मिकाइल, ये मिकाइल की रेस लग गई है, मिकाइल जीत रहा है। You got some? Nothing yet. For how long? 30 minutes. Okay, from 30 minutes no fish caught. Off for the best of luck, bro. You will get big one. भाई ये तो हमें धोखा दे दिया इस मशीन ने, 1 pound डाला है हमने। हमने सोचा वो दूर देखेंगे ये पहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें, पर कुछ नहीं नज़र आया और हमारा कॉइन भी ज़ाया हो गया। चलें जी थोड़ी लाइव परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दें, यहाँ पे चल रही है। ये तो बड़े प्रोफेशनल है भाई, हम सोचे शायद ठीक है टोन हुए और लग पड़े हैं। वेरी नाइस, चले गर्ल चेंज हो गई है, बॉय वही है, देखते हैं कौन बेटर कर रहा था। नहीं वो पहले वाली थी वो प्रोफेशनल थी, बहुत अच्छा डांस था। कर ले थोड़ा सा जाके, क्या कहते हो, बेगम भी दूर गई हुई है, मगर नहीं। हेलो
गाइस वेलकम बैक अगेन। हमने काफ़ी सारा रास्ता तय कर लिया अपने घर का और सर्विसेज पे रुके हैं और खुश हो गए हम। यहाँ पे हमें स्टारबक्स भी मिल रहा है, KFC भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस भी मिल रहा है, बर्गर किंग भी है, सबवे भी है और चॉपस्टिक्स नूडल्स बार भी है। ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। अब तो हम सोच रहे थे घर पहुँच के किसी देसी जगह पे या ऐसी जगह रेस्टोरेंट पे जाएंगे और खाएंगे, मगर लकीली हमें आज पता चल गया कि ये सर्विसेज बड़ी शानदार हैं और बड़े मज़े की हैं। तो हम खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं और मिलते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, हमारे पास सबवे का ही ऑप्शन था जो कि हम खा सकते थे, वो भी बंद है, और KFC जो है वो हलाल नहीं है। हम थोड़ा लेट हो गए। तो ये है हमारी मील, इसे हम इंजॉय कर रहे हैं अभी। मिकाइल की मील हलाल नहीं थी इसलिए मिकाइल को हमने KFC नहीं दिलाया, तो अभी फ़िलहाल ये खाते हैं। ओके गाइस, तो यकीनन आप सब लोगों को आज का ये व्लॉग बहुत मज़े का लगा होगा, हमने बहुत इन्जॉय किया, हमारे साथ यकीनन आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, नई लोकेशन, नए फूड के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दें, शेयर भी करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय।